गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा टोटल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। वैसे जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी पता है कि मैं किस तरीके से प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। इस तरीके से मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि मैक्सिमम आप 10 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जिससे आपको सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आप प्रत्येक क्वेश्चन को सिंपल और आसान भाषा में ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 आता है, तो संख्या क्या है? ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो 50 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? तो मैं मान लेता हूं कि वह संख्या आपका x है। मैंने मान लिया कि संख्या x है, इसके 30% में जब हम 38 को ऐड करते हैं तो हमको 50 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां से आपका 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो 3x बटे का 10, 38 को आप राइट साइड ले जाओगे तो 50 में से 38 जाएगा, कितना मिलेगा 12 मिलेगा। 3 से काटो तो 3 चौक को 12, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 40, यानी कि वह संख्या आपका 40 है जिसके 30% में यदि आप 38 जोड़ोगे तो आपको 50 मिलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा, बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो कितना सिंपल और आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दे रखा है, तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 के रूप में है, 4:5 के रूप में है। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट क्योंकि 4:5 को आप इसी तरीके से तो लिखते हो, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो पुनः 4:5 मिल जाएगा, इसलिए मैंने 4:5 को 4:5 के रूप में लिख दिया। फिर आगे इन्होंने दे रखा है उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 4:5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 4:5 का महत्तम समापवर्तक आपका x होगा, क्योंकि दोनों में केवल और केवल x का मान है, और महत्तम समापवर्तक की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 3, यानी कि जो महत्तम समापवर्तक 3 है वो x के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी x का मान है और यहाँ पर भी x का मान है। तो हम पहली संख्या ज्ञात करें तो कितना होगा, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे तो पहली संख्या मिल जाएगी 12, यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखोगे तो पहली दूसरी संख्या मिल जाएगी 15। अब 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो, लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो 12 और 15 का एलसीएम आपको मिल जाएगा 60। इस तरीके से जो लघुत्तम समापवर्तक होगा
आपका 60 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख लो बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट से बता रहा हूं, यदि आप बेसिक कांसेप्ट इसी तरीके से सीखते रहोगे तो मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे इधर-उधर और कहीं भी ऐसा कांसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बिल्कुल ध्यान से समझना, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कांसेप्ट के साथ बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक आदमी ने 2400 रुपए की एक मशीन खरीदी, ठीक है, उसे 10% की हानि पर बेच दिया तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? एक कोई आदमी है जो 2400 रुपए में कोई मशीन खरीदता है और उस मशीन को 10% की हानि पर बेच देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य बताना है। तो 10% की हानि कितनी होगी? 2400 का आप बाहु 10% निकालो तो 2400 का 10% कितना आएगा? 00 से 00 कैंसिल, 2400 का 10% आप देख पा रहे हो 240 रुपया, यानी कि उसको 240 रुपए की हानि हो रही है। किसकी वजह से? 10% की वजह से। तो 2400 रुपए में खरीदा था और 10% की हानि हो रही है, यानी कि 240 रुपए की हानि हो रही है, तो कितना मिल जाएगा? 2160 रुपया, यानी 2160 रुपए में उस मशीन को बेच दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तरीका और है, देखो 2400 रुपया तो उसका क्रय मूल्य था, 2400 रुपया तो उसका क्रय मूल्य था क्योंकि 2400 रुपये में खरीदा था, तो क्रय मूल्य वाली जो वैल्यू होती है 100% के बराबर होती है। तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि यदि आप 2400 रुपये पे 10% की हानि हो रही है, यानी कि वो बेचेगा कितने में? 90% की वैल्यू पर, क्योंकि 10% की हानि हो रही है तो 2400 का यदि आप 90% निकालोगे तो भी आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, कोई भी तरीका आप अपना लोगे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, ए बी और सी लाभ को 3:4:5 के अनुपात में साझा करते हैं, ठीक है, यदि उनका कुल निवेश रुपया 1,44,000 है तो बी का निवेश कितना होगा ए आपको बताना है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति जितना निवेश करेगा उसी हिसाब से लाभ लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि दो आदमी हैं, किसी बिजनेस में एक आदमी आपका 5 लाख रुपया दे रहा है और दूसरा आदमी 3 लाख रुपया दे रहा है, यानी कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक आदमी जो है 5 लाख रुपया लगा रहा है और दूसरा आदमी 3 लाख रुपया लगा रहा है, तो लाभ कैसे लेंगे? यह 5 लाख रुपया लगा रहा है तो 5 लाख का जितना इसका बेनिफिट बनता है, जितना इसका लाभ बनता है उसका 5 लाख के हिसाब से लेगा और 3 लाख वाला 3 लाख के हिसाब से जितना बेनिफिट बनता है उतना लेगा, यानी कि जितना हम पैसा लगाएंगे उसी हिसाब से हम बेनिफिट लेंगे, ठीक है। उसी बिहार पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है कि 3:4:5 के अनुपात में लाभ होता है यदि कुल निवेश 1,44,000 है, तो कितना ए बी सी का 3:4:5 के निवेश में। तो यदि हम बात करें कि तीनों के लाभों के अनुपातों का योग कितना होगा, तो 5, 4, 9, 3, 12, यानी कि 12:1 के बराबर उनका लाभ है, यानी ए बी सी के तीनों का जो लाभ है 12:1 के बराबर है और 12:1 का जो लाभ है यही तो इसका इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि मैंने तो आपको बताया ही है कि जिस हिसाब से हम पैसा निकालते हैं, यानी कि जिस रेशियो में हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में हम लाभ लेते हैं। तो यदि 3:4:5 के रेशियो में इनको लाभ मिल रहा है तो ये 3:4:5 के रेशियो में ही उस बिजनेस पर उस कार्य को करने में पैसा लगाए होंगे और 12 रेशियो आ रहा है इनका और 12 रेशियो की वैल्यू दे रखा है 1,44,000 रुपया,
बारह से काटो तो बारह बारहिया में 144, 3 जो 0 चिपका दो, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका है 12,000 रुपया। ठीक है, अब देखो आपको बताना है कि बी ने कितना लगाया। यदि बी जो है 4 रेशियो का लाभ ले रहा है, यानी कि 4 रेशियो के बराबर पैसा लगाया होगा, तो यदि एक रेशियो की वैल्यू 12,000 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 48,000 रुपया। यानी कि उस बिजनेस के लिए, उस कार्य के लिए बी ने 48,000 रुपया लगाया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। बोला है यदि ए और बी का माध्य 350 है तथा ए और बी का अनुपात 2:5 है तो बी माइनस ए का मान कितना होगा, ए आपको बताना है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। बोला है ए और बी का माध्य आपका 350 है, तो माध्य क्या होता है, ए और बी का माध्य क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए और बी का माध्य जो होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब माध्य की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 350 रुपए, तो यहाँ से आप ए प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा 700 रुपया। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगा 700 रुपया। फिर इन्होंने आगे दे रखा है कि ए और बी का अनुपात 2:5 है। ए और बी का अनुपात जो है वो आपका कितना है, 2:5 है, यानी ए और बी का जो अनुपात है 2:5 है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के अनुपातों का योग कितना है तो आप कहोगे 7, क्योंकि ए का 2:5 है और बी का 5:5 है, यानी कि ए और बी के अनुपातों का योग आपका 7 है और 7 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका 700 के बराबर है। कितने 100 के, 700 के बराबर है। तो एक रेशियो की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो आपका 100 के बराबर है। तो आपको बताना है कि बी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो यदि एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 2 रेशियो की वैल्यू 200 और 5 रेशियो की वैल्यू आपका 500 हो जाएगा। बी माइनस ए की वैल्यू याद करना है तो बी की वैल्यू 500 में से ए की वैल्यू 200 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 300, यानी बी माइनस ए की वैल्यू आपका 300 मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख लो कितना बेहतरीन सा कांसेप्ट था। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, बस आप ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट को देखते रहो। बोला है 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघला करके 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, घनों की संख्या निकालने के लिए घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग देते हैं। यानी कि घनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग देंगे। तो घनाभ का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो लंबाई इन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। ये आपका घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग दे दो तो घन की भुजा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो आपका भुजा का क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कैंसिल आउट कर लो तो 4 × 8 2 × 4 तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। यानी कि टोटल जो है 12 घन बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डियर स्टूडेंट, यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 मीटर 20 मीटर और 40 मीटर है तो कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल बताओ।
कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × height ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की चार दीवारी का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2hL प्लस का b, ये आपका कमरे की चार दीवारी के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब सारी वैल्यू रख दो तो 2h की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, ऊंचाई इन्होंने दे रखा है 40, तो गुणे 40 हो जाएगा। लंबाई की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, लंबाई की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 30 मीटर और चौड़ाई की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 20 मीटर। इसी को आप कैलकुलेट कर लो तो कितना होगा, 40 × 80 × 50, 8 × 40 होता है, अधूरा 0 चिपका दो, यानी कि 4×4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। सारे क्वेश्चन मैं दिए इसमें बहुत ही सिंपल और आसान वे में आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है, ठीक है, उनका योग 30 है, तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग किसके बराबर है ये आपको बताना है। 5 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3:4:5 के रूप में, ठीक है। बोला है कि इन संख्याओं का योग 30 है, तो दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग बताओ। तो पहली संख्या 1:1 में है, दूसरी संख्या 2:2 में है, तीसरी संख्या 3:3 में है, चौथी संख्या 4:4 में है और पांचवी संख्या 5:5 में है, ठीक। इन संख्याओं का योग 30 है, इन संख्याओं का जो योग है वो आपका 30 है। तो यदि हम बात करें रेशियो में इन संख्याओं का योग कितना है, तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, यानी कि 15 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका 30 के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आपका 2 के बराबर आएगी, एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आपका 2 के बराबर आएगी। अब आपको बताना है कि पांचवी संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना होगा। तो पांचवी संख्या आपका 5 रेशियो में है और दूसरी संख्या आपका 2 रेशियो में है, तो 5 रेशियो और 2 रेशियो जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 7 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 7 × 2 आपको 14 मिल जाएगा, यानी कि पांचवी संख्या और दूसरी संख्या का जो योग होगा वो आपका 14 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से देखिएगा, जो कि बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी पूछा है, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, यदि x plus y plus z बराबर 5 है और x y plus y z plus z x की वैल्यू 8 है, तो x cube plus y cube plus z cube minus का 3x y z का मान। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो पहला तरीका शॉर्टकट मेथड है, जो कि मैक्सिमम आप 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो आपका बेसिक मेथड है, जिससे मैक्सिमम आपका 10 से 12 सेकंड लगने वाले हैं, और दोनों ही तरीके में बताऊंगा, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। देखो बाबू, दे रखा है x plus y plus z की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 5, फिर दे रखा है xy plus का yz प्लस का जेड एक्स की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 8। आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपका बराबर होता है x plus y plus z, एक ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स के बराबर आपका आता है। ये आपका फार्मूला है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस y प्लस z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, यहां पर इसकी वैल्यू आपको पता है और इसकी वैल्यू केवल नहीं पता है, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें x plus y plus z की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो x plus y plus z की वैल्यू आपका 5 के बराबर होगी। यानी कि एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है, जो आपका आंसर आने वाला है, वो कहीं ना कहीं 5 के मल्टीपल में होगा, क्योंकि x plus y plus z की वैल्यू 5 के बराबर है। तो ऑप्शंस को आप देखिएगा तो एक ही ऑप्शन में 5 का मल्टीपल दे रखा है, वो है केवल और केवल 5। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का रियलिस्ट वेल 5 आपका आंसर बनेगा। ये तो पहला तरीका है कि 5 का मल्टीपल हम देखेंगे। यदि एक से ज्यादा ऑप्शन में 5 का मल्टीपल होता तो क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन 5 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में है तो धीरे से ऐसे ठीक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने 60 तरीका बताया। अब देखो बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करो। आपको बाबू पता है कि x plus y plus z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, होता है x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर माइनस प्लस का 2xy plus का 2yz plus का 2zx आपका होता है। ये आपका फार्मूला होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब देखो x प्लस y प्लस z की वैल्यू आपका है 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिल जाएगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ से आप दो कॉमन ले लो तो दो कॉमन ले लिया, तो जब दो कॉमन लोगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स मिलेगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है xy plus yz plus zx की वैल्यू आपको पता है कितना है 8 है, यानी इसके जगह पर हम 8 लिख सकते हैं। तो लो जी भैया मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। तो यहां से आप x square plus y square plus z square की वैल्यू निकालोगे कितना है 25 में से 16 घटाओ, तो 25 में से 16 घटाओगे तो 9 मिल जाएगा, यानी x square plus y square plus z square की वैल्यू आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे x plus y plus z की वैल्यू आपका है 5, x square plus y square plus z square की वैल्यू आपने निकाला है 9, माइनस कॉमन ले लो तीनों से तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा xy, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा xy plus yz plus का zx, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितना है 8, तो 9 में से 8 घटाओगे तो 1 मिलेगा, अब बाहर 5 है तो 5 गुणे 1 करोगे तो 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, बेसिक मेथड भी बताया है कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और शॉर्ट मेथड भी बताया है कि विदिन मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डियर स्टूडेंट, राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो आपका दे रखा है 7:8, ठीक है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाता है, ठीक बात है। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है ये आपको बताना है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:8 है। राम हो गया आर से, श्याम हो गया एस, राम और श्याम की वर्तमान आयु ले रखा है 7:8, यानी कि राम का 7 रेशियो है और श्याम का 8 रेशियो है, ठीक है। बोला है 9 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाता है, यानी कि 9 वर्ष के पश्चात
नौ वर्ष के पश्चात यह रेशियो 8:9 के रेशियो में हो जाता है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है ये आपको बताना है। तो यदि हम आपसे पूछें कि 9 वर्ष के पश्चात यानी कि 9 वर्ष की वजह से रेशियो में कितने का अंतर आया है, 9 वर्ष की वजह से रेशियो में कितने का अंतर आया है, तो आप कहोगे 1 का अंतर आया है, क्योंकि यहाँ पर 8:9 हो रहा है और यहाँ पर आपका 7:8 हो रहा है, यानी 1 रेशियो की वजह से 9 वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका 9 वर्ष के बराबर है, वो आपका 9 वर्ष के बराबर है। तो यदि 1 रेशियो की वैल्यू 9 वर्ष के बराबर है तो 7 रेशियो की वैल्यू कितना होगा, 63 हो जाएगा, और 8 रेशियो की वैल्यू कितना होगा, 9/72 हो जाएगा। यानी कि राम की जो आयु होगी वो आपका 63 साल होगा और श्याम की जो आयु होगी वो आपका 72 साल हो जाएगा। इस तरीके से राम और श्याम की जो वर्तमान आयु होगी 63 और 72 साल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन के कांसेप्ट आपको बताया है, जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के कांसेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।